हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा लगता था उन्हीं कामों को कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर हरी मिर्च को लेकर के। इसका इस्तेमाल तो हम लोग अपने किचन में कई तरीके से करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एकदम अलग सा यूज़ बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा है। इसका इस्तेमाल देखने के बाद आप इसे रोज़ अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। देखिए, जो मिर्ची होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है आपको, कोई भी गर्म पानी नहीं करना है। उसके बाद आपको ले लेनी है ताज़ी हरी मिर्च, इसको दो पार्ट में कट कर देना है। जो मिर्च होती है उसमें काफी मात्रा में फाइबर भी होता है, जिससे अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो भी पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जो कैंसर के जो रोग होते हैं उनको भी पूरी तरह से खत्म करने में ये काफी लाभदायक है। जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो पार्ट मिर्ची से कट कर देना है, आपको इस तरह से पानी में डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल दें। अब आपको क्या करना है, इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरे दिन करीबन 6-7 घंटे बाद आपको इस तरह से मिर्ची निकालने के बाद पानी को पी लेना है, ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको हरी मिर्च खाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पेट में जलन होना या पेट में दर्द, तो आप इस पानी का इस्तेमाल ना करें, आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। और वैसे अगर जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मिर्ची खाने से, अगर इसका यूज करेंगे तो उनको बहुत ही फायदा होने वाला है और इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी मजबूत होता है। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चिमटे को लेकर के। इसका इस्तेमाल तो हम लोग अपने किचन में रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अलग सा यूज़ बताऊंगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चिमटा है तो आप बहुत ही अच्छे से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चिमटा ले लिया है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसका यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर ले लेनी है आपको इस तरह के रबड़ बैंड। अगर आपके पास इस तरह के रबड़ बैंड हो तो आप ये ले लीजिए, वरना जो पतली वाली होती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पतली वाली रबड़ बैंड। अब आपको क्या करना है, चिमटे को इस तरह से पकड़ना है और पतली वाली रबड़ बैंड को ले लेना है। बस आपको इस तरह से रबड़ बैंड लेनी है और इस तरह से डबल फोल्ड करके पीछे की तरफ चिमटे में ले जाना है। अगर आपके पास और ज़्यादा छोटी रबड़ बैंड है तो आप उसको एक ही बार रखिएगा, डबल फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस इस तरह से आपको रबड़ बैंड फटाफट चढ़ाते जाना है, करीबन 10 से 12। तो ये होगा एक जैसे बॉक्स, ऐसे छोटे छोटे बन जाएंगे। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रबड़ बैंड का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो वहाँ पर थोड़ी सी जो मोटी रबड़ बैंड होती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर करीबन मैंने 10 से 12 पतली वाली रबड़ बैंड को अटैच कर दिया, इजी तरीके से हो जाता है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है आपको इस तरह से रस्सी, डोरी, धागा, मोटा वाला कुछ भी आप उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए पतला रिबन लिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप कोई भी धागा या रस्सी कुछ भी बांधे ना, तो चिमटे को इस तरह से रखना है, ऊपरी तरफ को गांठ लगाना है, ऊपरी हिस्से में आपको गांठ लगाना है ताकि इजिली अच्छे से हैंग कर सके और बहुत ही अच्छा सा हम लोग का ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने गांठ लगा दी है, यहाँ पर रिबन काफ़ी लंबा है, तो दूसरी साइड में इसको कई बार लपेटूंगी जिससे बहुत ज़्यादा लंबाई में ये ना हो। आपको थोड़ा सा इसको चिमटे के बीच में डालना है और फिर से करीबन 5 से 6 बार लपेट देना है, और ऐसे ही गांठ जैसे हम लोगों ने उस साइड लगाई है, सेम ऊपर की तरफ आपको गांठ को लगा देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वरना ऑर्गेनाइजर ढंग से नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए इजिली तरह से मैंने इसमें अच्छे से गांठ भी लगा दी है और बहुत ही अच्छा और यूज़फुल ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ बाहर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें एक काम और करना है जिससे ये और भी अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ले ली है मैंने 2 मेटल की चूड़ियाँ, तो मेटल की चूड़ी हो आप उसी का यूज़ करिए। तो यहाँ पर आप इसको 2 पार्ट में कट कर लीजिए और यहाँ पे ऐसा करके हुक बना लेना है। ये देखिए इजली बन जाता है, जो मेटल की चूड़ियाँ होती है आप उसको इजली हाथ से मोड़ सकते हैं। तो करीबन 6 से 7 आप यहाँ पे बना के रख लीजिए। अब इसका यूज़ कैसे करना है, आप चाहे तो यहाँ पे तुरंत लगा सकते हैं ऐसा कार का हुक जो हम लोगों ने बनाया है, वरना आप इसको जहाँ भी अपने किचन में हैंग करना चाहते हैं चिमटे को, अब वहाँ पर इसको टांग दीजिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने मेटल की चूड़ियों के हुक बनाए हैं ना, आपको इस तरह से लेना है और उसको बिल्कुल सीधा कर देना है ताकि कोई भी चीज़ हम लोग हैंग करें तो अच्छे से हैंग कर सके। बस उसी गैटिस में हम लोग ने अच्छे से अटैच कर दिया जो रबड़ बैंड हम लोगों ने चिमटे में लगाई थी। अब हम लोग के किचन में बहुत से ऐसे चिमचा, कलछुन, चिमटा, ग्रेटर, चम्मच, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती जिनको हम लोग सोचते हैं कहाँ पर रखें, किचन में काफ़ी स्पेस नहीं होता है, तो आप इस तरह से इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकती हैं। आप देखती जाइए, यहाँ पर करीबन 15 से 20 चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, जैसे 5-6 चम्मच रख सकते हैं, बड़े चमचा है, कलछुन है, ग्रेटर है, छन्नी है, बहुत चीजें आप हैंग कर सकती हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें अच्छे से टांग दी हैं। आपको कोई भी बाहर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो कास्ट में आप इसको इजी तरीके से घर पे बना सकती हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि हम लोग किचन में सोचते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग ले आए हैंग करने के लिए, लेकिन इसको कहाँ टांगे। बाहर से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र हम लोग बनाते हैं जिसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। आप इजी तरीके से इसको बनाइए और इसमें कोई भी चीज़ आप हैंग करती हैं इजी से निकाल सकती हैं, इजी तरीके से इसमें हैंग भी कर सकती हैं, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका और इसमें काम बहुत अच्छा है। आपको अगर कहीं जगह करनी है किचन में तो आप इसी तरीके से ऊपर से निकालिए और इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका। इस तरीकों को अपनाकर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज तो कर भी पाएंगी और काफी पैसे की बचत भी कर पाएंगी, है ना। बहुत ही यूजफुल आइडिया, पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप भी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आलमंड ऑयल करीबन 2 चम्मच। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल होता है ना, गरी का तेल, आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चम्मच ले लेना है कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल कोई भी ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल, तो यहाँ पे करीबन 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी आपको इस्तेमाल करना है। छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं बना रही हूँ बस। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे ग्लिसरीन, तो मैं यहाँ पे लेमन ग्लिसरीन ले रही हूँ। अगर आपके पास लेमन ग्रीसरीन नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल वाला ग्रीसरीन लीजिए और उसमें आप आधा नींबू ऐड कर दीजिए। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच ही ग्रीसरीन लीजिए। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ग्रीसरीन का यूज़ कर रही हूँ। आपको इन सब चीज़ों को डाल देना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लेना है विटामिन ई की गोलियाँ, जो इजिली मार्केट में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे विटामिन ई की 1 की गोली का इस्तेमाल करना है। आप चाहे यहाँ पे सुई या सेफ्टी पिन या ऐसे कैंची से कट करके इसको ऑयल को निकाल लें। बस यहाँ पे आपका चारों चीज़ें मिल करके तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से फेंटना है जिससे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो आप चम्मच की हेल्प से ही करेंगी, बहुत ईजी तरीके से इसका कलर चेंज होता जाएगा, बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा। तब आप समझिएगा ये हम लोग का बन करके तैयार हो गया। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बना करके ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका इस कलर हो जाना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट हो गया है। इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इनकी स्किन डल हो गई है, शाइन चली गई है, चेहरों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, काले दाग धब्बे पड़ गए हैं। तो आप इसको बनाइए, ये नाइट क्रीम बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हो गई है। आप इसको फेस पे लगाइए और करीबन 2 से 3 मिनट अपने फेस की मसाज करिए। आप करीबन जब 1 हफ्ते तक इसको करेंगी ना, आप देखेंगे आपको कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है। इसको ओवरनाइट आपको लगाना है और सुबह उठ करके इसको गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। 1 हफ्ते बाद देखेंगी आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन आपकी ग्लो करेगी, जो काले दाग धब्बे हैं ना आपके, वो धीरे धीरे बहुत काफ़ी मात्रा में हल्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको शाम को ही अप्लाई करिएगा, आपको दिन पर अप्लाई नहीं करना है। शाम के टाइम अप्लाई करेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा। आप इसको करीबन 1 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं, या मैंने 2 दिन की बनाई है। यहाँ पर मेरे पास पहले भी क्रीम पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मैंने इतनी और बनाई है। आप किसी छोटी डब्बी में इसको बना करके रख लें और इसको बना करके आप फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगी, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, रोज़ इस्तेमाल करना है और इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।